हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फोटो या साइन हो, इमेज हो, किस तरीके से आपको सेंटीमीटर में करना है या मिलीमीटर में करना है या इंच में करना है आपको, और किस तरीके से पिक्सल में करना है और किस तरीके से डीपीआई में करना हो, और क्या आपका जो भी केबी के अंदर बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से उस पिक्सल को उस केबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि एमबी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ फॉर्म आ जाते हैं जिससे कि आपको मांगा जाता है कि 1.2 सेंटीमीटर से लेकर के 1.4 सेंटीमीटर के बीच आपको फोटो क्राइटेरिया होनी चाहिए, और उसी तरीके से आपको यहाँ पे साइन मांग देता है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे बनाना बहुत ही काफी मुश्किल हो जाता है। आपको हम बता दें किस तरीके से उस जो भी क्राइटेरिया मांगी जाती है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें इस वीडियो में आपको यहाँ पे लिंक दे देंगे जिससे आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज का आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे imagerecider.com। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप सिर्फ मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे चलिए हम सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। जैसे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो रखा होगा आपको उस फोटो को जैसे पिक कर लेना। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पे फोटो को एक कोई फोटो हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये फोटो है। इस पे फोटो को पिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो का केबी ऑन जो भी होगा आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो अपलोड हो रहा है। अब ये फोटो को अगर आप जिस भी पिक्सल में आप बनाना चाहते हैं, इंची बनाना चाहते हैं, सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं या मिलीमीटर में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करो। चलिए हम यहाँ पे जैसे कि सेंटीमीटर बनाए थे सेंटीमीटर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग एसेट रेशियो पे अनचेक कर लेना है जिससे कि आप यहाँ पे रेशियो अलग अलग रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 4 रख देते हैं और हाइट को यहाँ पे 6 रख देते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी हाइट होगी वो आपकी 6 सेंटीमीटर हाइट होगी, और यहाँ पर चौड़ाई जिसकी आपके यहाँ बताया जा रहा है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डीपीआई को अपने जो भी डीपीआई रखना चाहते हैं रख सकते हैं, जैसे हम 200 डीपीआई रखते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वहां पर जिस केबी में चाहिए या पी में चाहिए आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम केबी में क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें 20 केबी का चाहिए तो हम 20 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिसाइज पे आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सर्च का ऑप्शन लेगा। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे ओरिजिनल जो साइज थी आपकी ये थी, और आपने जो बनाया है वो आपने बनाया है। आपको क्या करना है, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं आपने 20 KB का क्लिक किया था, लगभग 19 KB का आपका प्रिपेयर हो गया। अब आसानी से इस 19 KB का और जो भी पिक्सल और सेंटीमीटर का था उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से जितने केबी का चाहिए उतने केबी का कोई फोटो हो या साइन हो या किसी भी प्रमाण पत्र हो, जिससे आप हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया, इंटर की मार्कशीट हो गया, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग JPG में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जैसा चाहे वैसा। ओके दोस्तों, थैंक यू।